हेलो एवरीवन, कल गोल्ड $1,200 तोड़ गया और तकरीबन $1,192 तक चला गया। MCX में गोल्ड नहीं टूटा बिकॉज अपना INR ही इतना गिर गया है। INR वीक मतलब USD INR बहुत बढ़ गया था जिसने गोल्ड के प्राइस को काफ़ी संभाला। आज जो है USD INR अगेन पॉजिटिव में बंद हुआ है जो कि सोने चांदी के प्राइसेस को सहारा दे रहा है। आज का रेजिस्टेंस जो है वो $1,202 का है जो MCX में तकरीबन 29,920 है, और जो सपोर्ट है वो 1188 से $87 के आसपास का है जो MCX के लेवल्स में 29,500 है। MCX के सितंबर के फ्यूचर के लेवल्स हैं। चांदी का रेजिस्टेंस 38,100 है और डॉलर में $15.27 है। सपोर्ट चांदी का 1490 है और MCX में 27,400 है। करंटली मार्केट अभी वीक जोन में ही है, कमज़ोरी लग रही है सोने चांदी में, लेकिन एक बाउंस आना चाहिए बिकॉज तकरीबन $170 टूट चुका है गोल्ड अपने हाई से। सो मैं यहाँ पे अभी किसी को सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अपने क्लाइंट को जो हमारे कॉमेक्स के क्लाइंट हैं उनको बाई शायद मैंने दी हो या मैं देने वाला हूँ। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज अभी पोजिशन मैंने दे रखी है, तो मैं उसमें बता नहीं सकता कि सेल है कि बाय है। बट हाँ, एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ज़रूर मैंने दे रखा है। आप उसमें जाके, आप चाहो तो मेरे ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हो। अगर वो टारगेट या स्टॉप लॉस होगा तो मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा। MCX की सर्विस जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। मैं जब वापस अपने सिग्नल्स टेस्ट कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉबली बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल और गोल्ड सर्वर सभी में आएगी। इट जस्ट के अभी कन्फर्म नहीं कह सकता कौन कौन से सेगमेंट में हम कॉल्स देना शुरू करेंगे वापस से। आप को और भी कोई दिक्कत हो या कुछ परेशानी हो या आपका कोई ट्रेड अटक गया हो तो नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जल्दी उसका जवाब दूंगा। और हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाएं। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।